अल्लाम स्टूडेंट्स आज हम लोग चैप्टर नंबर थ्री का लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर में डेटा कम्युनिकेशन को पढ़ा है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन पढ़ी हैं कम्युनिकेशन चैनल के बारे में पढ़ा है कम्युनिकेशन चैनल कितने टाइप्स के हैं गाइडेड मीडिया होते हैं अनगाइडेड मीडिया होता है गाइडेड मीडिया जो है वो दैट इज़ वेयर द डाटा इज ट्रैवलिंग थ्रू केबल्स और अनगाइडेड मीडिया या अनबाउंडेड मीडिया जो होता है उसमें डेटा जो है वो एयर या स्पेस के थ्रू ट्रैवल कर रहा होता है आज हम लोग लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज मोडाम मोडाम जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है ओ से होता है मॉड्यूलेशन और ई एम स्टैंड फॉर डी सो इट्स अ कम्युनिकेशन डिवाइस मीन्स कि जब भी आप आ, इंटरनेट से यूजुअली कनेक्ट होते हैं ठीक है अपना जो आ, घरों के कंप्यूटर्स हैं या लैपटॉप्स हैं व्हेन यू आर कनेक्टिंग टू द इंटरनेट और टू एनी नेटवर्क आप लोगों को इस डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है सो इट्स अ कम्युनिकेशन डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल्स एंड वाइस वर्सा एक्चुअली आप लोगों का जो कंप्यूटर होता है वो डिजिटल सिग्नल्स प्रोसेस कर रहा होता है उसमें डेटा डिजिटल फॉर्म में होता है जबकि जो आपकी ट्रेडिशनल वायर्स हैं केबल्स हैं उसमें डेटा ने ट्रेवल करना होता है एनालॉग सिग्नल्स की फॉर्म में सो so, इसीलिए जब भी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ने सेंड करना होता है ऑब्वियसली आप कनेक्शन जब कम जब एक नेटवर्क बना रहे हैं तो कम्युनिकेशन के लिए बना रहे हैं यू वांट टू सेंड द सिग्नल्स यू वांट टू सेंड द डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर सो आपने क्योंकि ट्रेडिशनल केबल्स यूज़ हो रही हैं ट्रेडिशनल केबल्स में जो है वो डाटा एनालॉग सिग्नल्स में ट्रेवल करे इसी इसीलिए एक डिवाइस ऐसी ज़रूरी है जो कि आपके कंप्यूटर में लगी हो जो कि डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करे ताकि एनालॉग सिग्नल जो है वो केबल्स के थ्रू पा कर सके इसीलिए मोडम आपके कंप्यूटर में भी जो रिसीविंग एंड पे कंप्यूटर है वहां पर भी मोडम होना जरूरी है बिकॉज एक एंड पे मोडम जो है वो डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करेगा और फिर रिसीविंग एंड पे जाके वापस एनालॉग सिग्नल्स ने दोबारा डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट होना है ताकि जो रिसीविंग कंप्यूटर है वो उसको प्रोसेस कर सके

और डी एना सिग्नल एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल सिग्नल्स की कन्वर्जन को कहते हैं अब जिस तरह हर डिवाइस के फीचर्स होते हैं कई करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसी तरह मोडम के भी कुछ फीचर्स हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं टॉकिंग अबाउट इट्स स्पीड स्पीड किसको बोलेंगे uh, इसका काम ही मॉडुलेशन और डी है ना तो जिस रेट से जितनी स्पीड से ये डिजिटल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में वापस कन्वर्ट करता है वो इसकी स्पीड कहलाती है सो so, uh, uh, आपकी जो ये कन्वर्जन की स्पीड है ओब्वियसली ये भी कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है जितनी तेज़ी से कन्वर्ट होगा उतनी तेज़ी से डाटा ऑब्वियसली ट्रांसमिशन चैनल पे पास किया जाएगा और ट्रांसमिशन लाइन या ट्रांसमिशन चैनल से वो दूसरे रिसीविंग एंड पे पहुंचेगा सो स्पीड ऑफ द मोडाम इज़ द रेट एट विच अ मोडाम कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स इन टू एनालॉग फॉर्म एंड वाइस वर्सा वाइस वर्सा मीन्स इसका ऑपोजिट यानी एनालॉग से डिजिटल फॉर्म में और ये स्पीड यूजली किस में की जाती है इट्स मयरड इन बिट्स पर सेकेंड के एक सेकेंड में कितने बिट्स कन्वर्ट हो गए हैं एक सेकेंड में कितने बिट्स जो थे डिजिटल डाटा uh, के दैट दे दे आर बींग कन्वर्टेड इन टू दी एनालॉग फॉर्म आजकल की के जो मोडाम की स्पीड है वो नॉर्मली कितनी है फिफ्टी सिक्स किलो बिट्स पर सेकेंड ये के बी पी एस क्या है किलो बेट्स पर सेकेंड जब भी यूनिट में बी स्मॉल होता है इट्सटैंड फॉर बिट्स और अगर बी आपको कैपिटल नजर आए इट स्टैंड फॉर बाइट सो हेयर बी इज दी स्मॉल लोअर केस में है सो इट्स द किलो बिट्स पर सेकेंड यानी एक सेकेंड में फिफ्टी सिक्स किलो बिट्स जो हैं वो मोडाम्स की स्पीड आजकल जो है वो या इससे ज़्यादा भी स्पीड में जो है वो आपको मोडाम्स अवेलेबल हैं मोडाम्स में ज़ाहिर सी बात है एक तरफ से आ, डिजिटल डाटा आ रहा होता है जब इधर से एक कंप्यूटर से दूसरे में डाटा ट्रांसमिट करना होता है रिसीविंग साइट पे दोबारा मोडाम ने उसको सेंस करना होता है कि अब कौन सा डाटा है इट्स ऑन द एनालॉग डाटा जिसको उसने कन्वर्ट करना होता है इनटू डिजिटल फॉर्म तो ये जो चेकिंग है ये ऑटोमेटिकली सेल्फ टेस्टिंग कर लेता है मोडाम उसको पता चल जाता है कि अब मेरे पास डिजिटल डाटा आया है इसको एनालॉग में कन्वर्ट करना है यानी मॉडोलेसन करनी है और अब जो है ये एनालॉग फॉर्म में आया है तो इसको वापस डिजिटल में कन्वर्ट करना है दैट इज़ इसमें डी मोडोलेशन करनी होती है सो so, इसके अंदर इंटरनल सर्कट्स होते हैं जिसके थ्रू ये चेकिंग जो है वो कर लेता है सो विद द हेल्प ऑफ मोडा वी कैन नाट ओनली कन्वर्ट द टेक्सट डाटा बट वी कैन ऑल्सो है वॉइस कन्वर्सेशन मीनिंग आपकी जो है ऑडियो uh, या वीडियोज़ वगैरह भी जो है वो कन्वर्ट uh, करके उनको रिसीविंग एंट पे जो है वो ट्रांसमिट हम करवा सकते हैं नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोडाम्स विद दस एक जो टाइप है दैट इज एक्सटर्नल मोडाम और इंटरनल दूसरी जो टाइप है दैट इज द इंटरनल मोडाम एक्सटर्नल नाम से ही पता चल रहा है आउटसाइड द कंप्यूटर यानी ये कंप्यूटर के अंदर नहीं लगा हुआ होता बट बट इट इज़ लोकेटेड आउटसाइड द कंप्यूटर इट इज़ एन एक्सटर्नल यूनिट ऑफ कंप्यूटर कुछ कंप्यूटर जब आप परचेस करते हैं उसमें बिल्ट इन अंदर ही लगा हुआ होता है वो इंटरनल यूनिट होता है और अगर आपने कंप्यूटर परचेज़ किया उसमें इंटरनल नहीं लगा हुआ तो यू कैन परचेज इट फ्राम द मार्केट एक्सटर्नल मोडाम आप परचेज कर सकते हैं और आप यूजली उसको कंप्यूटर की कौन सी पोर्ट्स पर लगाते हैं कॉम वन और कॉम टू तो? ये सीरियल पोर्ट्स के नाम है सीरियल पोर्ट्स वो होती हैं जिसमें डाटा बिट बाय बिट ट्रैवल कर रहा होता है सीरियल पोर्ट्स पोर्ट्स क्या होती हैं वो जो कनेक्शनज होते हैं जो कि आपके सिस्टम के बैक पे लगे हुए होते हैं जिसमें आप एक्चुअली केबल लगा रहे होते हैं दे आर कॉल्ड एज द पोर्ट्स उसके बहुत सारी टाइप्स हैं जिसमें एक टाइप होती है कॉम कॉमन और कॉम टू तो एक्सटर्नल मोडम यूजली कॉम कॉमन और कॉम टू में लग रहा होता है इन दो पोर्ट्स में लग रहा होता है इधर से आपके कंप्यूटर में एक तरफ से लगता है और दूसरी तरफ से जो दूसरी केबल है वो कहाँ लगती है इट्स ऑल्सो कनेक्टेड टू द टेलीफोन लाइन क्योंकि कंप्यूटर से मॉडाम में आने मोडेम ने उसको एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करना है और उसके बाद उसको पास कर देना है टू द टेलीफोन लाइन सो एक जैक लगा होता है जिसके थ्रू केबल जो है वो मोडाम में और uh, दूसरी तरफ टेलीफोन लाइन के साथ कनेक्ट हुई हुई होती है एक्सटर्नल पावर सप्लाई यानी मोडाम के साथ उसकी केबल होती है जिसको हम कनेक्ट करते हैं यानी पावर सप्लाई के साथ उसको मुसलसिल पावर सप्लाई की भी ज़रूरत होती है इट्स वेरी ईजी टू सेटअप एंड इट्स मोर एक्सपेंसिव यानी इंटरनल मोडाम के कंपेरेटिवली इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है लेकिन इसको सेटअप करना इसको इंस्टॉल करना इसको आसान होता है इसके फीचर्स काफ़ी एडवांस हैं वी हैव दी हाई डेटा ट्रांसमिशन स्पीड एज वेल एंड इट्स पोर्टेबल एक बड़ा फ़ायदा क्या है कि आप इसको एक कंप्यूटर से दूसरे किसी कंप्यूटर में भी लगा सकते हैं इट कैन बी कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर दूसरी टाइप ऑफ मोडर्म कौन सी है दैट इज द इंटरनल मोडर्म एज द नेम इंडिकेट इट इज इन साइड द कंप्यूटर इसको मोडर्म कार्ड भी कहते हैं यानी एक कार्ड की फॉर्म में होती है और जो आपके मदर बोर्ड में डिफरेंट स्लॉट्स लगी हुई होती हैं ग्रीन कलर का एक मदर बोर्ड होता है यूजुअली इट्स इन ग्रीन कलर इट्स इनसाइड द सिस्टम यूनिट अगर आप सिस्टम को ओपन करें तो उसमें एक्सपेंशन स्लॉट्स लगी होती हैं कुछ जगह बनी होती हैं जिस तरह तो जहाँ आप रैम वगैरह लगाते हैं ऐसी ही और स्लॉट्स लगी होती हैं जहाँ पर ये कार्ड सा मिलता है जिसको आप वहाँ पर प्लग इन कर सकते हैं इसको ऑब्वियसली मूव करना आसान नहीं होगा क्योंकि इसको आपने कहाँ लगाया हुआ है कंप्यूटर के अंदर लगाया हुआ है इट्स डिफ़िकल्ट टू कन्फिगर एज वेल इसकी कंसेटिंग वगैरह करनी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट uh, होती है लेकिन इसकी कॉस्ट जो है वो एक्सटर्नल मोडाम से बहुत कम होती है और इसकी स्पीड भी जो है वो डाटा ट्रांसमिशन स्पीड भी एक्सटर्नल मोडाम से कम है देन वी हैव वायरलेस मोडम वायरलेस मोडाम एज द नेम इंडिकेट्स इसमें वायर नहीं है आपका एंटीना लगा हुआ है जिसके थ्रू सिग्नल्स जो हैं वो रिसीव हो रहे हैं और ट्रांसमिट हो रहे हैं इसको रेडियो फ्रिक्वेंसी मोडाम भी कहा जाता है और सिंस देर इज़ नो केबल यूज इन इट तो डेटा की जो ट्रांसमिशन होती है वो यूज uh, वो थ्रू uh, एयर हो रही होती है और लैपटॉप कंप्यूटर्स क्योंकि आपने यूजुअली इधर से उधर कैरी करना होता है पोर्टेबल होते हैं तो उसके साथ जो है वो ये वायरलेस मोडाम्स आ रहे होते हैं ठीक है ये खुद ही इनके अंदर ही बैटरी होती है खुद ही जो है पावर सप्लाई जिसकी वजह से इनको मिलती रहती है एंड दिक्कत कैन भी इजीली यूज विद दी लैपटॉप कंप्यूटर्स लेकिन इसके अलावा ये आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर्स यानी पीसीस वगैरह जो आप जो लैब्स में यूज करें दे आर योर पीसीस उनके साथ भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं ताकि आप वायरलेस लैंस के साथ कनेक्ट कर सकेंगे वॉट इज़ लैन लाने से लोकल एरिया नेटवर्क तो जब आपने अगर लेट सपोज अपनी लैब में आपने एक नेटवर्क बनाया हुआ है कंप्यूटर्स को लिंक किया हुआ है और वो बग़ैर केबल्स के कनेक्टेड हैं वायरलेस कनेक्शन है तो उस वक्त भी मोडाम जो है वो आप ये वाले यानी वायरलेस मोडाम जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं सो दैट्स ऑल अबाउट चैप्टर नंबर थ्री आप लोगों का जो है वो मोडाम का टॉपिक कंप्लीट हो गया है इनशाला हम लोग इसकी जो एक्सरसाइज है वो और एम सी क्यूज़ वगैरह हैं शॉर्ट क्वेश्चन हैं ट्रू फॉल्स हैं प्लैंक्स हैं वील बी डिस्कसिंग इन आर नेक्स्ट क्लास इट वॉज एन इजी टॉपिक होप फुल वुड हैव अंडरस्टोड थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़